बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, गुज़श्ता लेक्चर में हम खुलासे में की जाने वाली गलतियों पर बात कर चुके हैं। आज हम सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह के सवाल पर गुफ्तगू करेंगे। अजीज तलबा, सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह का ये सवाल सवालिया पर्चे में तीसरे नंबर पर होता है। सवाल नंबर तीन की इबारत कुछ यूँ होती है कि दर्ज ज़ैल में से किसी एक पैराग्राफ की सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह कीजिए, सबक का उनवान और मुसन्निफ का नाम भी लिखिए। यहाँ गौर तलब बात यह है कि आपसे कितनी चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर एक, आपसे सियाक व सबाक लिखने को कहा गया है। नंबर दो, तशरीह। नंबर तीन, सबक का उनवान। और आखिर में मुसन्निफ का नाम लिखने को कहा जाता है। अजीज तलबा, आप यहाँ पर तरतीब जहन में रखिए कि जो तरतीब सवाल में पूछी गई है, जवाब में ये तरतीब हरगिज नहीं होगी। जब आप जवाब देंगे तो तरतीब कुछ यूँ होगी कि सबसे पहले आप सबक का उनवान लिखेंगे, दूसरे नंबर पर मुसन्निफ का नाम, तीसरे नंबर पर सियाक व सबाक और चौथे नंबर पर आप तशरीह लिखेंगे। अब इन चार पॉइंट्स में कौन कौन सी गलतियाँ की जाती हैं, हम उन पर बात करते हैं। सबसे पहले सबक का उनवान लिखा जाता है। अक्सर तलबा ये हेडिंग दुरुस्त नहीं लिखते। बाज़ तलबा सबक का नाम, बाज़ तलबा मज़मून का नाम, बाज़ तलबा कहानी का नाम और बाज़ तलबा मज़मून का उनवान लिखते हैं, तो ये सब हेडिंग्स गलत हैं। आपसे सवाल में जो पूछा गया है, आप जवाब में भी वही हेडिंग लिखेंगे, यानी सबक का उनवान। दूसरे नंबर पर जो गलती की जाती है वो मुसन्निफ के नाम के हवाले से है। मुसन्निफ के नाम के हवाले से हम गुज़श्ता लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि अक्सर तलबा लफ्ज़ मुसन्निफ की जगह लफ्ज़ शायर का इस्तेमाल करते हैं और हेडिंग बनाते हैं शायर का नाम, तो ये गलती भी दुरुस्त कर लीजिए। आपने मुसन्निफ का नाम बेशक दुरुस्त लिखा है, अलामा शिबली नोमानी को अलामा शिबली नोमानी लिखा है, सर सैयद अहमद ख़ान को सर सैयद अहमद ख़ान लिखा है, लेकिन चूंकि ऊपर आपने हेडिंग में लफ्ज़ शायर का नाम लिखा तो वहाँ से आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद अक्सर तलबा और तालिबात लफ्ज़ माखज़ का इजाफा करके ये सबक जिस किताब से लिया गया है उस किताब का नाम भी लिखते हैं। अजीज तलबा, सवाल में आपसे माखज नहीं पूछा गया तो आप यहाँ पर माखज लिख कर अपना नंबर ज़ाया मत कीजिए। अक्सर देखने में आया है कि तलबा लफ्ज़ माखज के बाद उस किताब का नाम भी लिखते हैं और बाज़ दफ़ा इस एफिशिएंसी में वो किताब का नाम गलत लिख देते हैं, तो आपसे जब सवाल के अंदर माखज नहीं पूछा गया तो आप माखज नहीं लिखेंगे। इसके बाद सियाक व सबाक की बारी आती है। सियाक व सबाक क्या होता है, सियाक व सबाक कैसे लिखते हैं, सियाक व सबाक के नंबर कितने हैं और सियाक व सबाक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस हवाले से हम एक इससे पहले एक लेक्चर में बात कर चुके हैं। इस लिंक से आप वो लेक्चर जरूर देखिए, आपको ये पूरा सवाल हल करने का तरीका मालूम हो जाएगा कि किस पॉइंट के कितने नंबर हैं और उसकी लेंथ क्या होगी। सियाक व सबाक के हवाले से गलती क्या की जाती है, इस हेडिंग में अक्सर तलबा सियाको असबाक यानी अलिफ का इजाफा कर देते हैं। आपने जब तक हेडिंग दुरुस्त ना की आपके नंबर महफूज नहीं हो सकते। आपने हेडिंग में लफ्ज़ सियाको सबाक ही लिखना है, सियाको असबाक नहीं लिखना। अगर आपकी ये हेडिंग दुरुस्त ना हुई तो आपका यकीनी तौर पर एक या आधा नंबर काट लिया जाएगा। फिर उसके बाद अक्सर तलबा सियाक व सबाक तशरीह के बाद लिखते हैं, तो अजीज़ तलबा सियाक व सबाक मुसन्निफ के नाम के बाद यानी तशरीह से पहले लिखा जाएगा, आप ये गलती मत कीजिए। अब सियाक व सबाक कैसे लिखा जाएगा ये और बहस है और इस पर इससे पहले वीडियो अपलोड की जा चुकी है। सियाक व सबाक के हवाले से अक्सर तलबा एक और गलती करते हैं। सियाक और सबाक वो दो अलग अलग हेडिंग्स देके दो अलग अलग पैराग्राफ लिखते हैं जो कि गलत है। आपने सियाक व सबाक एक ही हेडिंग लिखनी है और उसके नीचे आपने सियाक व सबाक का जो दुरुस्त तरीका है उसके मुताबिक आपने सियाक व सबाक लिखना है। सियाक व सबाक के बाद तशरीह की बारी आती है। अजीज़ तलबा, हमारा ये मौजू नहीं है कि तशरीह कैसे लिखते हैं, इस वक्त हमारा मौजू ये है कि तशरीह में गलतियाँ क्या की जाती हैं। तो अजीज़ तलबा, तशरीह में अक्सर तलबा सबसे बड़ी गलती ये करते हैं
कि जो पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाता है वो उसी पैराग्राफ को आसान अल्फाज में लिख देते हैं, अपने हाथ से अपने नंबर ज़ाया कर लेते हैं। तो आप सबक का उनवान, मुसन्निफ का नाम, सियाक व सबाक और तशरीह के हवाले से जो आपको गलतियाँ बताई गई हैं, अगर आप ये गलतियाँ दुरुस्त कर लें तो आप यकीनी तौर पर तशरीह में अच्छे नंबर ले सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह में की जाने वाली आम गलतियों पर बात की। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम तशरीह का तरीका समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।